दोस्तों, कैसी चल रही है DEDSC ID फर्स्ट ईयर एग्जाम की प्रिपरेशन। दोस्तों जैसा कि सबके मन में ये सवाल है, हमारे सभी दोस्तों का ये मैसेज आ रहा है, क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम एग्जाम पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। जैसे कि अभी हाल ही में हमारे सेकेंड ईयर वालों के जो एग्जाम हुए थे उनका एग्जाम पेपर पैटर्न चेंज हो गया था, ठीक है, यानी कि समय में भी कभी आ गई थी, क्वेश्चन भी सारे बदल दिए गए थे, ठीक है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और उन्होंने पार्ट मतलब क्वेश्चन पैटर्न को 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया था। लेकिन अब ये है कि जैसे कि हमारे एग्जाम की डेट आई है ना, शेड्यूल आया हमारा एग्जाम का, तो दोस्तों उसमें टाइम 3 घंटे दे रखा है, ठीक है, तो 3 घंटे का क्या इंडिकेशन है या क्या संकेत करता है 3 घंटे का टाइम, जबकि जो पैटर्न चेंज हुआ था सेकेंड ईयर वालों का उनका 2 घंटे का टाइम था, 1 घंटा उनको कम कर दिया गया था, ठीक है, और एग्जाम पेपर पैटर्न को पूरा चेंज कर दिया गया था। अब आपका जो एग्जामिनेशन शेड्यूल जो आया है उसमें देखा गया है आपका टाइम 3 घंटे का दे रहे हैं। तो सबका ये क्वेश्चन है दोस्तों कि एग्जाम पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और किस तरीके से हमारा एग्जाम पेपर पैटर्न रहेगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम पेपर पैटर्न पर, जो कि DEDSC ID वालों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है जानना कि हमारा एग्जाम पेपर पैटर्न कैसा होगा। सभी जानते हैं दोस्तों डेट आ चुकी है आपकी एग्जाम की, ठीक है ना, 22 नवंबर से आपका एग्जाम है, ठीक है, और बाकी का प्रैक्टिकल भी आपके चल ही रहे हैं। तो दोस्तों एग्जाम पेपर पैटर्न जो है आपका, अगर देखा जाए आपकी जो आपका शेड्यूल आया था, डेट आई थी आपकी एग्जाम की, उसके अकॉर्डिंग ये स्पेसिफिक हो गया कि आपको 3 घंटे का टाइम दिया गया है। इट मीन आपका ओल्ड रहेगा, ओल्ड पैटर्न रहेगा, न्यू नहीं रहेगा। ओल्ड पैटर्न का मतलब है जो अब से सेकेंड ईयर वालों का छोड़ के इससे पहले जो रहता था, ठीक है ना। तो दोस्तों ओल्ड पेपर पैटर्न कैसा था आपको ये पता करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर आएगा या पेपर पैटर्न रहेगा किस तरीके का, जो 3 घंटे में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से प्रश्न पत्र बना होता है आपका, ठीक है, एग्जाम पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो दोस्तों अब जो आपका एग्जाम पेपर पैटर्न आने वाला है वो किस तरीके का आएगा ये जानते हैं। देखिए दोस्तों एग्जाम पेपर पैटर्न आपका इस तरीके से, आपका एक एग्जाम पेपर होगा, प्रश्न पत्र आपका इस तरीके का होगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर पेपर फर्स्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पेपर है हमारा पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, सब जानते हैं, ठीक है। टाइम हमारा हो गया है 3 घंटे का, सबसे अच्छी बात, ठीक है, और पेपर का टाइम जो रहेगा आपका 10 से 1 बजे तक का है, 3 घंटे का है, बहुत अच्छी बात है। और पूरा पेपर जो है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इसमें, 45, ठीक है। अब ये मत पूछना कि पास होने के लिए, अरे पास होने के लिए क्यों सोचते हो, अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, कि मैम पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है। पास होने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, पास होने के लिए अपना करियर कर रहे हैं, 2 साल क्यों खराब कर रहे हैं जब आपको केवल पास होना है, ठीक है ना। अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए ना, आपके अच्छे नंबर आए, आपके अच्छी डिक्टेशन बने, अच्छी परसेंटेज बने, ताकि आगे चल के आपका कोई करियर बन सके उसके साथ। ऐसा मत सोचो कि केवल मिनिमम मार्क्स कितने आएंगे, कितने में पास हो जाएंगे, क्वेश्चन ही बड़ा अजीब सा लगता है आपका, ठीक है। तो 45 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र होगा, ठीक है, और इसमें दोस्तों 4 प्रकार के आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, 4 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम पेपर पैटर्न में। जैसे सबसे पहला दे रखा है ये, दूसरा है आपका ये, तीसरा है आपका ये, चौथा है ये, तो 4 प्रकार के आपके क्वेश्चंस होंगे एग्जाम पेपर पैटर्न में। और ये पैटर्न हमेशा से आता रहा है, हमेशा आ रहा है, मैंने भी इसी प्रकार से दिया था जब मेरा एग्जाम हुआ था डेढ़ का। तो दोस्तों यही आएगा, क्योंकि उन्होंने टाइम 3 घंटे का दे दिया, ये संकेत करता है 3 घंटे का टाइम कि हमारा पेपर पैटर्न नहीं चेंज होगा, जो था वही रहेगा, न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न नहीं होगा, जो सेकेंड ईयर वालों का हुआ था वो नहीं होगा। यदि इसमें भी कोई डाउट है, अगर हो सकता है RTI आपको कुछ भी कर सकता है, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब तक ये है कि आपका एग्जाम पेपर पैटर्न ये रहेगा। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है इसमें, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित का विस्तार करें। इस क्वेश्चन में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में, जिसमें क्या करना है आपको, फुल फॉर्म्स दे रखी है आपको कुछ 5 यहाँ पर, तो इन फुल फॉर्म्स को आपने क्या करना है, इनका फुल फॉर्म करना है, शॉर्ट फॉर्म्स दे रखी है यहाँ पर,
कुछ फुल फॉर्म के शॉर्ट नेम दे रखे हैं, आपको इनका पूरा नाम विस्तार को यानी कि एक्सप्लेन करना है इन शॉर्ट फॉर्म को। जैसे सबसे पहले दे रखी है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, अब एक चीज यहां पर आता है कि मैम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कुछ बच्चे कहते हैं मैम इंग्लिश में लिखे हैं या हिंदी में लिखे हैं, तो फुल फॉर्म्स आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और एक तरीका और है, अगर आपको हिंदी भी नहीं पता है, इंग्लिश भी नहीं पता है, केवल आप उसका नाम पता है आपको, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो आप जैसे कि ASD दे रखा है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसकी फुल फॉर्म ये है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। यानी कि ये कहते हैं रोमन में लिखना, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इस तरीके से इंग्लिश में आ गया, ये रोमन में आ गया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, ना हिंदी में ना इंग्लिश में, आपने ये रोमन कर दिया उसका। अब हिंदी में अगर लिखना है तो जैसे तीसरा आपका EI, तो अर्ली इंटरवेंशन या अर्ली आइडेंटिफिकेशन, दोनों ही हो सकता है, ठीक है ना, तो अर्ली, सॉरी हिंदी में लिखना है यहां पर, चलो हिंदी में लिखते हैं, अर्ली इंटरवेंशन का लिखते हैं शीघ्र हस्तक्षेप या प्रारंभिक हस्तक्षेप, शीघ्र हस्तक्षेप, तो आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है। उसके बाद है आपका CAP, करिकुलम एक्शन प्लान, करिकुलम एक्शन प्लान, ठीक है, करिकुलम एक्शन प्लान। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी 5 फुल फॉर्म्स आएंगी और आपको 5 करनी है, चाहे तो आप हिंदी में लिखिए उसको, चाहे इंग्लिश में लिखिए, चाहे रोमन में लिखिए, ठीक है। आपका ये देखिए, इंग्लिश में लिख सकते हैं, रोमन में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हिंदी में लिखेंगे नंबर कट जाएंगे, रोमन में लिखेंगे नंबर कट जाएंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस आपको उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है दोस्तों क्वेश्चन आपका, आंसर द फॉलोइंग इन 1-2 सेंटेंसेस, यानी कि निम्नलिखित का 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए, और जो कि इसमें कितने प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 2 नंबर का है, तो ये दूसरा वाला जो प्रश्न है आपका 10 नंबर के है, 5 प्रश्न, और पहला वाला जो तो 5 फुल फॉर्म्स थी, हर फुल फॉर्म्स 1 नंबर की थी, तो 5 नंबर का हमारा ये क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन था जिसमें 5 प्रश्न किए थे, 5 नंबर का ये हो गया, ठीक है। दूसरे में इन्होंने कहा है 5 × 2 यानी 10, तो दोस्तों इसमें आपको क्या है, 5 प्रश्न मिलेंगे और हर प्रश्न कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। जैसे कि दे रखा है गामक अक्षमता की परिभाषा सोधारण सहित लिखिए, यानी कि उदाहरण सहित आप इसमें गामक अक्षमता को बताएंगे, लोकोमोटर डिसेबिलिटी को, ठीक है दोस्तों, लोकोमोटर डिसेबिलिटी को बताना है। फिर दूसरा आपका क्वेश्चन है बौद्धिक अक्षमता के 2 पृथक उत्तर कारण लिखिए। अब ये मैंने आपको कुछ 2 आपके ऐसे शब्द हैं, आप कंफ्यूज होने वाले हैं, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, ऐसा नहीं है कि एक ही, मतलब हिंदी वालों को केवल हिंदी मिलेगा, इंग्लिश वालों को वो एग्जाम पेपर जो आपका पैटर्न होगा हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, सो उदाहरण का मतलब होता है उदाहरण सहित, और पृथक उत्तर का मतलब होता है पृथक के बाद के कारण, पृषभ के बाद के कारण, उत्तर का मतलब बाद में, क्योंकि पूर्व का होता तो पहला ही होता, पृषभ पूर्व लगा होता, लेकिन यहाँ उत्तर लिखा है, यानी कि पृषभ के बाद के आप कोई भी 2 कार्य, प्रीमेच्योर डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी इंजरी, या फिर आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, 2 कारण, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, डाउन सिंड्रोम को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, जाना जाता था,
तो दोस्तों ये आपका हिस्ट्री में पहुंच गया क्वेश्चन, मंगोलवाद कहा जाता था मंगोलवाद कहा जाता था डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों को। और अब अगर हम बात करें कि इस टाइम प्रेजेंट में तो ट्राइसोमी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, कई सारे इसके नाम है डाउन सिंड्रोम के, लेकिन पहले जाना जाता था मंगोलवाद के नाम से, ठीक है। उसके बाद है विकलांगता की आपको परिभाषा देनी है, सीपी का वर्गीकरण करना है किन भागों में किया गया था, तो आपको केवल तीन वर्गीकरण इसमें लिखने हैं, प्रभावित अंगों के अनुसार, तीव्रता के अनुसार और चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार। बस इस तरीके से आपको एक या दो वाक्यों में इसमें आपको उत्तर देना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आएगा और ये हमारे हर प्रश्न आपका दो नंबर का है, तो 2, 4, 6, 8, 10 नंबर का हमारा ये हो गया, ठीक है, और इसमें सभी करना है। फिर बात है आपका प्रश्न नंबर तीसरा, देखिए राइट्स और डांसर वन एनी फोर क्वेश्चंस, यानी कि निम्नलिखित में से किन्हीं चार के लघु उत्तर दीजिए। अब इसमें क्वेश्चन आपके पांच होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 पांच प्रश्न दिए हुए हैं, आपको केवल चार करने, यानी कि आपको इसमें एक प्रश्न का चयन भी करना है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, एक छोड़ना है आपको, किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर देंगे आप, और जो कि हर प्रश्न कितने नंबर का है आपका, चार नंबर का, ठीक है, चार क्वेश्चन, यानी कि नहीं पांच नंबर का होगा ये, ठीक है ना, पांच नंबर का होगा, 1, 2, 3, 4, 5 5 और 20 क्योंकि पूरे का 20 का आएगा यहाँ पर, तो दोस्तों ये 5 नंबर का होगा, हर प्रश्न कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का, इसमें से आपको केवल 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जैसे कि पहले दे रखा है, बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित करते हुए वर्गीकरण को समझाइए, और हमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को हमने 150 शब्दों में करना है, ठीक है, 150 शब्दों में करना है। अब बात आती है 150 शब्दों में हमने क्या क्या देना है इस क्वेश्चन को, बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित करते हुए वर्गीकरण को समझाइए, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तो परिचय देंगे इसका, या अर्थ हो गया, परिभाषा हो गया, ठीक है, और वर्गीकरण हो गया। प्रत्येक वर्गीकरण में जितने भी प्रकार है सबको हम डिटेल में करेंगे, 150 शब्दों में हमारा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका मानसिक रोग और बौद्धिक अक्षमता में अंतर, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस में आपको अंतर बताना है दोनों में, ठीक है। तीसरा है गामक अक्षमता के प्रकार, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की जितने टाइप्स हैं उन टाइप्स को आप डिटेल में करेंगे। राष्ट्रीय संस्थान की भूमिका, रोल ऑफ इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर आ गया पांचवा क्वेश्चन, समुदाय और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें केवल आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, कोई एक छोड़ना होगा उसके बाद, और ये हर प्रश्न आपका 5 नंबर का है, तो 20 नंबर का ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डिटेल, यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक पर विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। अब इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को करना है हमने। अब हमने इन क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन सिलेक्ट करना है दोस्तों, जिसको हम डिटेल में अच्छे से कर सकते हैं, समझा सकते हैं, और जिससे हमारे सब हेडिंग्स ज्यादा बन सकते हैं, ठीक है, या पॉइंट्स हमें ज्यादा बन सकते हैं, क्योंकि इसे हमने 250 शब्दों में करना होता है, और ये क्वेश्चन 10 नंबर का है हमारा पूरा, ठीक है, कोई एक। अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, बौद्धिक अक्षमता का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और वर्गीकरण करते हुए इनके कारणों पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन है प्रारंभिक हस्तक्षेप से आप क्या समझते हैं, इसके प्रतिदर्श को समझाइए। तीसरा है गामक अक्षमता, परिचय, प्रकार और उनकी विशेषताओं को लिखिए। 3 प्रकार के आपके क्वेश्चन हैं और तीनों ही अलग अलग यूनिट से आ रखे हैं दोस्तों, देख लीजिए। इसलिए मैं कहती हूँ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स जो मैं आपको कराती हूँ उसको देखिए, और उसके अकॉर्डिंग ही आप एग्जाम प्रिपरेशन करेंगे, तो आपका एग्जाम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरा पेपर फंस जाएगा आपका, और बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। अब से पहले भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं दोस्तों उनसे आप कंसल्ट कीजिए, कितना अच्छे से उनका एग्जाम हुआ है और बहुत ही अच्छे नंबरों से वो लोग पास हुए हैं। देखिए तीनों हर क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आया है हर यूनिट से आया है, फर्स्ट यूनिट का हो गया, थर्ड यूनिट का हो गया, सेकंड यूनिट का हो गया, ठीक है। तो ये तीनों यूनिट से एक एक क्वेश्चन उठकर आ गया है आपका, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें से आपको वो क्वेश्चन सिलेक्ट करना है जिसमें हमें लगता है ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे,
पॉइंट्स का मतलब है जिसे हम डिटेल में अच्छे से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा, 250 शब्दों में करना होगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे अच्छा आपको बौद्धिक अक्षमता का अर्थ में ही हमारा एक पेज हो जाएगा, उसका थोड़ा परिचय, दो परिभाषा करेंगे, उसके प्रकार हम बताएंगे, उसके वर्गीकरण को करेंगे डिटेल में, ठीक है, और उसके कारण कौन कौन से हैं। तो बहुत अच्छे से हमारा 250 शब्दों में ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आता है, पूरा कितने नंबर का आएगा, 43 नंबर का, ठीक है, 10, 30, 40 और 5, 45 नंबर का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। और ये मिनिमम मार्क्स की बात मत करना कि हमने मैम केवल पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, गलत बात है, ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे से एग्जाम प्रिपरेशन करा रहे हैं आपकी, मतलब एक दिन में दो दो क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल पास होने के लिए हो रहा है, ठीक है ना। आपने बस क्या करना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है हमारा सिलेबस क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, अब हमने कम समय में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बस उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम प्रिपरेशन कीजिए। अच्छा पेपर होगा, आपका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको कराया नहीं जाएगा, आपके जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो मैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कराने की कोशिश कर ही रही हूँ। बाकी आपके एग्जाम पेपर पैटर्न इस तरीके से आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, इस तरीके से आपको आंसर देना होगा। और अगर लास्ट में, मुझे नहीं लगता वन मंथ रह गया कि आपका एग्जाम पेपर पैटर्न चेंज होगा, ठीक है ना, जो था वही रहेगा, यानी कि इस तरीके से आएगा आपका, न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न नहीं होगा जो कि सेकेंड ईयर वालों का था, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक आपको 3 घंटे दे दिए। आप अपना RCI पे जाकर वो भी देख सकते हैं, आपको जो डेट आई थी एग्जामिनेशन डेट है उसमें आपको 3 घंटे दे रखे उन्होंने बहुत अच्छे से। अगर न्यू होता तो दोस्तों 2 घंटे में वो पेपर आपका कवर हो जाता, क्योंकि उसमें क्वेश्चन थोड़े कम कर दिए गए थे। तो 3 घंटे में इतना बड़ा पेपर तो कराएंगे नहीं अगर न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न होगा आपका, इसलिए 3 घंटे का मतलब है उनका पुराना वाला ही जो था वही रहेगा, ठीक है। अब इसमें भी आपको कुछ डाउट है या कोई पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।